मन अति सुंदर में जब सपेरा वाला बंसल परिवार के घर में एंट्री लेता है तब तो नियति का आंखें बंद होने लगता है, क्योंकि अब नियति को ये लगने लगता है कि ये सपेरा वाला मेरा सच सारे घर वाले के सामने लाकर ही रहेगा। वही जब वो सपेरा वाला बंसल घर से सांप भगाने के लिए वो जब बिन का धुन बजाने लगता है तब नियति अपने कमरे में अपना पूरा रंग रूप बदलने लगती है ताकि वो उस बिन के धुन से कहीं दूर जा सके। मगर जब नियति वो अपने कमरे में अपना पूरा रंग रूप नागिन में बदल रही होती हैं, तभी राधिका बाहर से नियति के कमरे में जाती है। तब तक नियति वहां से अपना असली रंग बदल कर वो वहां से कहीं दूर निकल जाएगी। लेकिन अब राधिका को जल्द ही नियति के खिलाफ सबूत मिल जाएगा, क्योंकि जब नियति उस घर में कहीं नहीं दिखेंगी तब तो राधिका को ये एहसास तो होने लगेगा कि जब से दिव्यम जी के साथ वो हादसा हुआ है तब से ही ये सब कुछ दिव्यम जी के साथ बीत रहा है और इस घर में सांप भी उसके बाद से दिखाई दे रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अब नियति को ये एहसास तो थोड़ा थोड़ा सा आने लगेगा कि जो इंसान एक सांप समझकर मेरी जान बचाया है क्या वो किसी इंसान का जान ले सकता है। हालांकि अब नियति दिव्यम को यहाँ से थोड़ा बहुत समझने लगी है। लेकिन ऐसे मन अति सुंदर के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।